नहीं देखिए, पहले सरकार अपने दायित्व के बारे में तो अपनी अपने नजरिया को स्पष्ट करे। और किसी भी राज्य सरकार का ये पहला दायित्व होता है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करे, और जिसकी पूरा पूजा अर्चना सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वैश्विक विश्व स्तर पर की जाती है। तो सरकार अपने दायित्व के बारे में पहले स्पष्ट करे, तब किसी पर आरोप लगाए। कि जहाँ कहीं भी रामनवमी का शोभा यात्रा निकला है, उससे पहले शांति समिति की बैठक हुई, जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे उसका जीता जागता प्रमाण उसको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा, उल्टा टांग करके सीधा कर दिया जाएगा। पत्थरबाजी होता था, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? जिस तरह से सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसक घटना हुई है, इसको लेकर के बीजेपी जो है सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पोर्टिको में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई बीजेपी के तमाम विधायक से, तो उन्होंने कहा है कि ये लोग पहले से ही प्लान किए हुए थे, और जिस तरह से जो है 2047 तक जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसमें अब धीरे धीरे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के तमाम विधायक, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। बिहार में जब तक एनडीए की सरकार थी, इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी, और हम सब पूरी ईमानदारी से इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए सरकार में हम सबों ने व्यवस्था की थी। लेकिन अभी महागठबंधन की सरकार इस तरह की जो संवेदनशील अवसर है उस पर बेहतर ढंग से जो उसका कानून व्यवस्था को बेहतर करने का जो नज़रिया होना चाहिए था, वो नज़रिया का अभाव है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल समीक्षा की, यह समीक्षा पहले भी हो सकती थी। इस तरह की घटनाएं बहुत शुरुआती दौर में अगर इसकी समीक्षा हो जाती है, कई जो इस तरह की चीज़ें हैं जहां शरारती तत्व या जो अपराधी तत्व हैं जो इस तरह के अवसरों का लाभ लेते हैं, तो उसको रोका जा सकता था। नालंदा में जब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तब सरकार चेती। एक विधायक, बीजेपी विधायक की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सुनील कुमार के विधायक, जो आपके बीजेपी के विधायक हैं। नहीं देखिए, पहले सरकार अपने दायित्व के बारे में तो अपनी अपने नजरिया को स्पष्ट करे कि इस तरह की घटना जब रामनवमी को हुई, उसने एहतियात के तौर पर क्या कार्रवाई की। पहले सरकार जिसका दायित्व तो है, जिसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो सरकार गठित की जाती है, चुनी जाती है, और किसी भी राज्य सरकार का ये पहला दायित्व होता है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करे। और रामनवमी ऐसे महत्व के महत्वपूर्ण अवसर पर, जहां एक पूरे भारतवर्ष का एक कहा जाए तो भावना जुड़ी रहती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, भगवान हनुमान जी से, और जिसकी पूरा पूजा अर्चना सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वैश्विक विश्व स्तर पर की जाती है। तो सरकार अपने दायित्व के बारे में पहले स्पष्ट करे, तब किसी पर आरोप लगाए। है वो दुखद है और निंदनीय है, जानबूझ करके घटना घटाया गया है, इसका जीता जागता प्रमाण है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी रामनवमी का शोभा यात्रा निकला है, उससे पहले शांति समिति की बैठक हुई है, शांति समिति के बैठक का वीडियो जारी करें, किस तरह रामनवमी के शोभा यात्रा के समितियों पर दबाव बनाया गया कि आप जुलूस नहीं निकालिए, लेकिन दबाव के बावजूद शांति प्रिय ढंग से लोगों ने जुलूस निकाला, उस पर सोची समझी राजनीति के तहत, तुष्टिकरण के तहत। पहले से हम लोग कहते थे कि पीएफआई का अड्डा बन चुका है बिहार, और एक बार साबित हो गया कि 2047 तक जो वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसका जीता जागता प्रमाण आपको बिहार के कई जगह, मुजफ्फरपुर। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे हम लोग सदन में भी आवाज़ उठाएंगे, सड़क पर भी आवाज़ उठाएंगे। तुष्टिकरण की नीति जो सरकार की चल रही है, वह बिल्कुल देश को पुनः विभाजन की ओर ले जाएगा, देश को गर्त की ओर ले जाएगा। इसलिए हम लोग निवेदन करेंगे सरकार से कि दूध का दूध, पानी का पानी, और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अमित शाह ने कल नवादा में कहा कि दंगाई को उल्टा करके सीधा कर देंगे, इसका मतलब क्या है? इसको लेकर काफी निश्चित रूप से जिसने भी दंगा किया है उसको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा, उल्टा टांग करके सीधा कर दिया जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि इसकी जाँच NIA से कराई जाए।
तो जहाँ पत्थरबाजी होता था, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? और उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए क्योंकि वहाँ प्रशासन का इकबाल है, हिम्मत नहीं है किसी का कि वहाँ दंगा कर ले, इनकाउंटर कर दिया जाता है। और यहाँ सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।